नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। इस पौधे को बड़े ध्यान से देखिए और दोस्तों इस पौधे को मैं आप लोगों को बड़ा विस्तार से इसकी जानकारी बताऊंगा। मैं आप सभी लोगों को चित परिचित कराने के लिए ये पौधा लाया हूं और इस पौधे की विशेष रूप से जितने भी आयुर्वेदिक लाभ हैं सारे लाभ बताऊंगा। बड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में रखे ये पौधे आपको ध्यान से देखना है। ये पौधे चमत्कारिक शक्तियों का खजाना है। ये पौधा अपने आयुर्वेद और दैवी गुणों के कारण पूजनीय है, सम्मानित है। दोस्तों इस पौधे को आप अपने घरों के आसपास में यत्र तत्र बहुताई मात्रा में देखे होंगे। बहुत ही आसानी से ग्रामीण इलाकों से रहते हैं तो देखने को मिल जाएंगे। ये फिर आप खेत जाते हैं, खलियान जाते हैं, वहां पे ये पौधा देखने को मिल जाते हैं। अगर ग्रामीण इलाके से हैं तो इस पौधे को देख करके आप पहचान सकते हैं। दोस्तों ये पौधे आज से अगर आप ये जानकारी इनके लाभ सीख जाएंगे तो आपके लिए सोने पे सुहागे का काम करेंगे। तो दोस्तों इस पौधे का नाम जान लीजिए। इस पौधे का नाम छोटा धतूरा है, इसे शंखाहुली के नाम से जानते हैं और इसे अंग्रेजी में काक लेबर के नाम से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम है काक लेबर, इसे हिंदी में छोटा धतूरा या फिर इसे हिंदी में शंखाहुली के नाम से जानते हैं। हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए। इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब कौन से राज्य से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं ये भी जरूर बताना दोस्तों, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे व्यूअर्स कौन से राज्य से हमारे वीडियो को वॉच करते हैं। और हाँ, अगर आप इसके आयुर्वेदिक लाभ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपके द्वारा बताए गए जानकारी हमारे चैनल में आपके नाम के साथ साझा की जाएगी। तो दोस्तों इसके फल को हम बचपन में बहुत खेला करते थे, क्योंकि दोस्तों ये जो इसके फल है कपड़े पर फेंकने पर बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। हम बचपन में जब दोस्तों हमारे साथ बहुत सारे हम जब दोस्त हुआ करते थे तो एक दूसरे को इसके जो फल हैं फेंका करते थे, चिपकाया कपड़े में करते थे। दोस्तों इसके फल की एक खास विशेषता है, ये बहुत ही नुकीला होने के कारण जो भेड़ हैं, बकरी हैं या फिर अन्य पशु हैं वो इसे नहीं खाते। चूंकि दोस्तों इसे खाते नहीं है इसलिए इसके पैदावार भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को आज छोटा धतूरा का, क्योंकि ये धतूरे की तरह इसके फल हैं इसलिए हम इसे छोटा धतूरा ही बोलते हैं, तो इसके आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा, इसके धार्मिक लाभ भी बताऊंगा और इसका ज्योतिष में भी प्रयोग होता है वो जानकारी भी बताऊंगा। तो आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। पहला लाभ है दोस्तों, ये जो छोटा धतूरा है इसके बीज को पीस करके लेप लगाने से, इसके बीज को बड़ा बारीकी मात्रा में पीस लीजिए, पीस करके लेप लगाएं। और किसमें आपको लेप लगाना है, जिनके सर पर बाल नहीं है, गंजापन स्थान पर लेप लगाया जाए। तो आयुर्वेद के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर एक महीने तक छोटा धतूरा के बीज को पीस करके अगर अपने गंजापन अपने सर पर लेप लगाया जाए तो दोस्तों कुछ ही दिनों के भीतर में जो झड़े हुए बाल हैं वो फिर से उगना शुरू कर देते हैं। भाई जो आयुर्वेद की दवा है, जो आयुर्वेदिक पेड़ पौधे हैं धीरे से रिजल्ट देता है लेकिन अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। और कभी भी आयुर्वेद के प्रभाव कभी प्रभावहीन होता ही नहीं है, ये धीरे से रिजल्ट देगा लेकिन आपको 100% लाभ देता है। इसके दूसरे फायदा सुनिए, इसके पत्ते को सुखा करके रख ले। इसके जो कच्चे कच्चे कोमल पत्ते हैं, अभी तो इसके पत्ते कच्चे हैं कोमल हैं, तो इसके पत्ते को सुखा लेना है और इसके पत्ते को सुखा करके आपको बिल्कुल इकट्ठा करके रख लेना है, धूप में सुखा करके इकट्ठा करके रख ले। इसके बाद दोस्तों समय आने पर जैसे कि हाथ पैर में दर्द हो रहे हैं या फिर शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो रहे हैं तो एक काम करना, इसके सूखे हुए पत्ते को 100 ग्राम सरसों के तेल में 5 इसके सूखे हुए पत्ते को डालना, सुखा कर डाल करके दोस्तों आपको मध्यम गर्म आंच पे 15 से 20 मिनट तक पकाना है। अर्थात इसके जो सूखे पत्ते उसके रस को तेल में मिलने देना है। इसके बाद एक बोतल में या फिर एक कांच के शीशी में इसके तेल को छान करके आपको रख लेना है, जो आप तेल में पका रहे सरसों के तेल में उसे छान करके आपको रख लेना है। फिर अगर
हाथ में दर्द हो रहे हैं, पैर में दर्द हो रहे हैं या शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो रहे हैं, वहां पे 15 मिनट तक मालिश करें। कैसा भी दर्द हो दोस्तों, 15 मिनट के भीतर में 6 मंत्र हो जाएंगे। और नित्य अगर मालिश किया जाए तो होने वाले दर्दों से बहुत ही आसानी से आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में बहुत पावर होती है। आयुर्वेद हमारे भारत भूमि का अमूल्य धरोहर है। दोस्तों मैं अपने प्राचीन ज्ञान चैनल में इस प्रकार के अब आयुर्वेद के और भी अच्छे अच्छे जानकारी बताऊंगा। तो सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आप भी अगर चाहते हैं कि आयुर्वेद की जानकारी आप फ्री में सीखें, आयुर्वेद की जानकारी को समझे, तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना मुफ्त है। जो बाजू में बने बेल का आइकन है वो भी प्रेस कर लेना दोस्तों, सब्सक्राइब के बगल में बाजू में बने बेल आइकन होते हो प्रेस कर लेना, ताकि मेरे इस प्रकार के जो आने वाले नॉलेजेबल वीडियो हैं, जो अच्छे अच्छे आयुर्वेद की जानकारी वाला वीडियो है, वो आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना। दोस्तों हमें गर्व करना चाहिए इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में है। भारत माता की असीम कृपा से भारत माता की गर्भगृह में सारे पेड़ पौधे आज भी संग्रहित करके रखे गए दोस्तों, ये संग्रहित हैं, कोई किसी भी प्रकार का नष्ट नहीं कर पाए हैं। आइए इसका और लाभ जानते हैं। दोस्तों इसके फल को सुखा करके पाउडर बना ले, इसके फल को सुखा करके पाउडर बना ले और दूध के साथ सेवन करे तो शरीर की दुर्बलता दूर होती है। बहुत सारे जो लड़के हैं वो बोलते हैं कि हमारे शरीर में दुर्बलता आ गए हैं, हमारे शरीर में कमजोरी है, इसे दूर करने वाला उपाय बताएं। तो इसके फल को सुखा करके पाउडर बना ले और दूध के साथ सेवन करें तो शरीर की दुर्बलता दूर होती है और शरीर हष्ट पुष्ट होता है। इसके पाउडर शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने का काम करते हैं, लेकिन इसके पाउडर के साथ में अश्वगंधा का पाउडर सम भाग मिला लेना, अर्थात इसके आप जितने पाउडर लेंगे उतने ही मात्रा आपको अश्वगंधा का पाउडर भी मिलाना है। इसके बाद दोस्तों ये पुरुष की कमजोरी को दूर करता है। पुरुष में कमजोरी क्यों आता है? क्योंकि पुरुष में वीकनेस आने का, कमजोरी आने का अनेकों कारण है। दिन भर मेहनत करने के कारण, या फिर आवश्यकता से ज्यादा शारीरिक संबंध बनाने के कारण, या फिर खून की कमी के कारण, या फिर टेंशन की वजह से पुरुषों के शरीर में कमजोरी आता है। तो पुरुष कमजोरी दूर करने का ये रामबाण दवा है। पुरुष कमजोरी दूर करने के लिए आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में, ये इसके जड़ हैं। थोड़ा जड़ को ध्यान से देखें, मैं वीडियो में दिखाना चाहूंगा, बड़ा बारीकी से ध्यान से देखें। तो इस प्रकार से इसके जड़ होता है। तो दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, इसके जड़ को सुखा लेना है, इसके जड़ को आपको धूप में सुखा लेना है और सुखा करके आप इसके जड़ का पाउडर बना लेना, और इसके जड़ के पाउडर में आपको सम भाग मात्रा में सतावरी का पाउडर मिलाना है। सतावरी का जो चूर्ण है, पाउडर है, ये किसी भी आयुर्वेदिक की दुकान पे आपको मिल जाएंगे, वो आपको मिलाना है सम मात्रा में, सम भाग में, अर्थात जितने इसके पाउडर लेंगे उतने मात्रा में सतावरी का पाउडर लेना है, दोनों को मिलाना है। और इसे 5 ग्राम की मात्रा में दिन में एक टाइम पीना है, चाहे सुबह पीजिए चाहे रात में सोने से पहले पीजिए, 15 दिनों तक पीना है। कैसा भी आपके शरीर में पुरुष कमजोरी हो, शारीरिक कमजोरी हो, ये दोनों को दूर कर देंगे, आपके शरीर में धातु की पुष्टि कराएंगे। कहने का मतलब है कि आपके जो अंदरूनी कमजोरी है उसे आप दूर करने का काम करेंगे। इसके बाद शरीर में अगर ऐठन होती है, शरीर में सुस्ती है, हड्डियों में कट कट की आवाज आती है, या फिर हड्डियों का जो ग्रीस होता है वो अगर घिस चुका हो, या फिर हड्डियों में कैल्शियम की बिल्कुल ही कमी हो, कैल्शियम की बिल्कुल ही मात्रा कम हो गए हैं, तो एक काम करना, 5 ग्राम इसके जड़ का चूर्ण दूध के साथ में दिन में एक टाइम, चाहे सुबह पीजिए चाहे शाम में पीजिए, दिन में एक टाइम पीना है। दूध कितना लेना है, तो दूध आपको लेना है दोस्तों 1/2 गिलास गुनगुना दूध, और बिल्कुल ही गाय का दूध लेना है, पैकेट वाला दूध का प्रयोग नहीं करना है। तो आपके शरीर में होने वाले हड्डियों में दर्द, या फिर हड्डियों का ग्रीस घिस चुका है, वह दूर हो जाएंगे, या फिर हड्डियों में कट कट की आवाज आ रही वो भी दूर हो जाएंगे, या फिर हड्डियों में होने वाला जितने भी समस्या है, परेशानी है, वो सारे समस्या परेशानी दूर हो जाएंगे। दोस्तों
ज्योतिष और तांत्रिक ग्रंथों में भी इसके अनेकों चमत्कार बताए हैं। दोस्तों आपने एक बात गौर किया होगा, इसके फल को जिस पर फेंका जाए उस पर जाकर के चिपक जाते हैं। तो दोस्तों ये वशीकरण करने का अचूक महादिव्य औषधि है। दोस्तों ये जानकारी बिखेरते रिश्ते को बचा सकते हैं, जैसे कि किसी पति पत्नी में अनबन हो चुकी है, ये फिर तलाक का नौबत आने वाला है, तो ये जानकारी उनके बिखरते जीवन को बचा सकता है। ये जानकारी मैं केवल समाज कल्याण के लिए बता रहा हूं, कृपा इसका दुरुपयोग आपको नहीं करना है। ये वशीकरण करना किसी के ऊपर में सम्मोहन विद्या का प्रयोग करना महापाप के श्रेणी में आता है, और ये जानकारी भी मुझे एक संत महात्मा ने बताया था। तो इसके बीज को पीस करके इसमें सफेद चंदन मिला ले, इसके सूखे जो बीज होते हैं, इसके पके गए जो सूखे बीज होते हैं उसे पीस करके पाउडर जैसा बना ले, और इसे इसमें आपको क्या मिलाना है, सफेद चंदन मिलाना है। इसके बाद जिस स्त्री या फिर पुरुष के पास जाया जाए या फिर उन्हें देखा जाए, तो दोस्तों देखते ही इस तिलक के प्रभाव से, इस पौधे के बीज के प्रभाव से वह आपके वशीभूत हो जाएगा। इसका प्रयोग अजमाने के लिए कदापि मत करना, इसका प्रभाव रामबाण की तरह तीव्र होता है, अचूक होता है, कभी यह प्रभावहीन नहीं होता। लेकिन जब आप इसके तिलक करें, इसके तिलक कैसे करें, इसके तिलक में आपको सफेद चंदन मिलाकर के तिलक लगाना है, जिसे वश में करना चाहते हैं, स्त्री को वश में करना चाहते हैं स्त्री का नाम लेना है, पुरुष को वश में करना चाहते हैं पुरुष का नाम लेना है। लेकिन तिलक लगाते समय एक मंत्र बोलना होता है, जो मंत्र मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, एक संत महात्मा ने यह जानकारी हमें बताया था। दोस्तों एक और जानकारी, एक हमारे संपर्क के वैद्य हैं, उसने हमें बताया कि एक वर्ष तक इसके जड़ का पाउडर दूध के साथ पिया जाए तो पीने वाले के अंदर में 10 घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ने की ताकत स्फूर्ति आ जाता है। एक वर्ष तक नित्य दूध के साथ में इसके पाउडर को पीना है। तो दोस्तों पीने वाले के अंदर में 10 घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ने की ताकत और स्फूर्ति आ जाता है। वह व्यक्ति चाहे तो कम ही समय में हजारों किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। दोस्तों हमारे संत महात्मा भी वायु गमन की सिद्धि से कम समय में अत्यधिक दूरी को तय कर लेते थे, जो सिद्धि इस पौधे से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों वैद्य जी के अनुसार ये जानकारी उन्हें एक सिद्ध संत ने बताया था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अब नित्य इसी प्रकार के और भी दुर्लभ पेड़ पौधे की अच्छे अच्छे जानकारी बताऊंगा। तो दोस्तों इसी तरह के और भी ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए, आयुर्वेद की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलना। आपके एक लाइक, आपके एक सब्सक्राइब हमारे मेहनत को दोस्तों सार्थक बनाता है, और वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना, दोस्तों आपको भी पुण्य मिलेगा। और अंत में कहना चाहूंगा, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना। धन्यवाद, नमस्कार।